रहे हैं? क्योंकि ये आपका एक अलग टाइप की प्रोफेशन है। एक प्राइवेट सेक्टर में होता तो चलो एक बार मैं आपको कह भी देता कि हाँ ठीक है इसको आप चले जाएं। ये तो बहुत ही, मैंने कहा ना कि एक आदर्शवादी आपका व्यक्तित्व का परीक्षण होने जा रहा है आपका। नोवल बिल्कुल प्रोफेशन है, इससे अच्छा तो कोई प्रोफेशन है ही नहीं है जिसमें आप जा रहे हैं। तो वो आप एक रोल मॉडल हैं भाई, भाई बच्चों के लिए, स्टूडेंट्स के लिए आप उनके हीरो हैं, समझ ना, रियल हीरो, वो वाले मूवी वाले हीरो नहीं, रियल हीरो हैं। तो वो आप जैसा बनना चाहेंगे, आपकी हर एक्टिविटी से, आपके पहनावे से, आपके बातचीत करने के तरीके से, हर चीज का सलीका वो आपका यानी कि फॉलो करना चाहते हैं। तो ऐसा यानी कि पर्सन उनको चाहिए जब आप बोर्ड में जाएं तो एकदम से लगे कि हाँ ये इस व्यक्ति को आता है कपड़े पहनने का सलीका, ये यानी कि प्रोफेसरशिप की मर्यादा रखेगा, ये ऐसा पर्सन है कि स्टूडेंट को सही दिशा देगा अपने बिना कुछ बोले। मतलब ये आपका एक्सटर्नल जो इंटरव्यू का पार्ट होता है वो यानी कि आपका ड्रेसअप डिसाइड करता है। तो इस ड्रेसअप वाले सेंस में सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि आपको सबसे पहले तो ये ध्यान रखें कि आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने जा रहे हैं, ये बहुत रिस्पेक्टेबल पर्सन है और उनके सामने हमें कैसे जाना चाहिए, कैसा ड्रेस होना चाहिए, इन सारी बातों को आपको ध्यान में रखना। ड्रेस वही सबसे अच्छी है जो आपको अच्छी लग रही है, लेकिन फिर भी दो चार लोगों से राय लेने में कोई दिक्कत नहीं है। और यदि आप चाहें तो मेरे सामने पहन करके भी आ जाएं तो उसमें भी मैं कुछ आपको सजेशन दे दूंगा कि हाँ ऐसे पहनना। अच्छा हाँ, एक चीज और कि सूट में भाई यहाँ पर वो लगाया जाता है ना, रुमाल, हम एक उसमें सिंबल लैंग्वेज बोलते हैं, वैसे तो और कुछ भी तमाम चीजें बोली जाती हैं, है ना, ब्रोच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, ब्रोच, है ना, तो वो बिल्कुल नहीं लगाना है ना, है शादी पार्टी में लगाया जाता है ना। पैन लगा सकते हैं बट यानी कि शायद कभी कभार इंटरव्यू बोर्ड वाले भी उसको मना कर देते हैं, तो आप यानी कि देख लें वहां पर यदि लगाने के लिए है तो आप लगा के जा सकते हैं, यदि वो मना करते हैं तो आप निकाल के बाहर रख जाइए। और पेन में भी ध्यान रखें, बहुत हाई फाई क्वालिटी वाला पेन नहीं होना चाहिए, है ना, ऊपर तक निकल रहा है, एकदम शाइनिंग दे रहा है, ब्रांडेड दिख रहा है, वो चीज़ नहीं, बिल्कुल सिंपल। आप प्रोफेसर हैं भाई, कोई बिजनेसमैन थोड़ी है कि बड़ा महंगे से महंगा होना चाहिए। आपका यानी कि लिखने वाला पेन होना चाहिए जिससे लिखा जा सके, है ना, तो यदि पेन है तो इस तरीके का, मतलब पूरा पेन है अंदर चला जाए, मतलब उसको बाहर निकला हुआ नहीं होना चाहिए, मतलब ऐसे निकल रहा वो नहीं, पूरा अंदर चला जाए, बस इसका जो ढक्कन होता है ना उसका जो क्या बोलते हैं ये कैप का जो बाहर क्लिप होती है, जो कैप की क्लिप होती है बस वो बाहर दिखाई दे, पूरा यानी कि अंदर चला जाना चाहिए, इस टाइप का यानी कि पेन लगाएंगे। उसके बाद गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए हाथ में क्या पहना है ना, तो रिस्ट वॉच पहन सकते हैं यदि वो अलाउ करते हैं। कई बार क्या होता है कि बोर्ड में मना कर दिया जाता है कि आप घड़ी पहन के नहीं आएंगे, और यदि अलाउ करते हैं तो फिर आप पहन के जा सकते हैं। अच्छा, उसमें भी बहुत महंगी ब्रांडेड घड़ी नहीं, सिंपल एंड सोबर, एक बहुत तरह तरह की मार्केट में आ गई है, स्मार्ट वॉच भी आ गई है तो वो नहीं पहनना है आपको, स्पोर्ट्स वॉच भी है वो भी नहीं पहनना है आपको, सिंपल। और कोशिश ये करें कि लेदर वाला जो पट्टा होता है ना वो वाली वॉच पहनेंगे, और यदि नहीं है तो फिर ये ऐसा भी चल जाएगी, ऐसा कोई वो नहीं है, इशू नहीं है। और लेकिन घड़ी का साइज बहुत बड़ा नहीं होना चाहिए, एकदम से ऐसी भी घड़ी आती है ना बड़ी बड़ी एकदम स्पोर्ट्स वॉच, वो नहीं होना चाहिए, मतलब जो आपका एक सिंपल सिटी वाली होती है ना वो वॉच होना चाहिए, ठीक है, उसको पहन के जा सकते हैं। लेकिन यदि बोर्ड आपको मना करता है, वहाँ पर आपके कर्मचारी जो पहले से बता देते हैं कि साहब नहीं पहन के जा सकते, तो आप बिल्कुल जिद ना करें, आप घड़ी भी उतार के जाएं। और कुछ हमारे सिलेक्शन में बड़ी सहयोगी चीज़ें होती हैं जो हमारे मम्मी पापा या हमारे और लोग बड़े चिंतित रहते हैं कि साहब ये वाला नग पहन लिया जाए और बस सिलेक्शन इसी से होना है ना, ब्लैक कलर का या ब्राउन कलर का या मूंगा या कुखराज, तमाम तरह के जो आते हैं ना वो वाले, यानी कि नग पहन करके घड़ी वो कहना उसमें रिंग में पहन के चले गए तो सिलेक्शन पक्का है, ये यानी कि कुछ ज्योतिष वगैरह से मिल लेते हैं ना, तो ये काम बिल्कुल नहीं करना आपको, समझ रहे ना, कोई घड़ी में मतलब सॉरी कोई रिंग नहीं पहन के जाए किसी भी टाइप की, सिंपल भी नहीं, क्या समझे, किसी भी टाइप की कोई भी रिंग पहन करके नहीं जाना आपको,
कोई भी अंगूठी, किसी भी टाइप की छल्ला अंगूठी कुछ भी, क्या समझे, ना बिना ना कुछ भी नहीं पहनना आपको, ये ध्यान रखें, है ना। रही से दिखाने के लिए साहब चैन तो ऊपर एक डाली लेते हैं कि दिखे कि साहब खाते पीते परिवार से, बड़ा समृद्ध परिवार से है, हम तो यहाँ शॉप करने के लिए आए, ये तो ठीक है आप पूछ लो जो पूछना है, लेकिन आप हमें देख जरूर लो हमारी अमीरी को, तो वो बिल्कुल भी नहीं, महिलाएं भी नहीं। ज्वेलरी आपको, ज्वेलरी जी, हाँ कोई दिक्कत नहीं, चलेगा बिल्कुल, हाँ तो भी कोई बिल्कुल नहीं, कोई इश्यू नहीं है, मैरिड है कि नहीं है। और वैसे ये है कि मैरिड तो जब पता चलता है कि भाई हम उसमें, एक तो फॉर्म में लिखा होता है, कभी कभार ध्यान नहीं देता है, तो हम उसको दिखाने के लिए क्या करते हैं, सिंदूर लगा लेते हैं। तो सिंदूर लगाने का भी भाई आप लोगों को बेहतर तरीका पता है ना कैसे लगाते हैं, लेकिन मेरा मानना ही है कि एकदम से वो एकदम दिखता ना, यहाँ से स्टार्ट किया पीछे तक एकदम बड़ा वाला मोटा मोटा एकदम से रेड लाइन, वो वाली नहीं होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, वही नॉर्मल वाली चलेगी, है ना, बिल्कुल वो सिंपल सिटी दिखनी चाहिए एकदम। ये नहीं कि साहब हम भारतीय नारी है और हम बिल्कुल पतिव्रता नारी है, तो वो हमारे पूरे वेशभूषा में भी वो भी नहीं दिखनी चाहिए, मतलब एक सिंपल सिटी, है ना। बट ठीक है, आप यानी कि ये चीज दिखाना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे अवसर होते हैं, शादी विवाह में होते हैं और तीज त्यौहार होते हैं, उन चीजों पर आप करें। तो यही तो इम्पोर्टेंट है कि किस अवसर पर हमें क्या करना है, तो ये हमारे लिए एक अलग अवसर है, तो वहां पर इन चीजों का ध्यान। और बहुत बारीक की बात बता रहा हूँ महिलाओं के लिए, है ना, आप लोग मुझसे ज्यादा जानते हैं, लेकिन मैं उस वे में बता रहा हूँ कि जो आप इंटरव्यू बोर्ड के सामने फेस करते हैं, जिसे जो क्या बोलते हैं लिपस्टिक, है ना, है ना, एक बड़ा पार्ट होता है कि हमारी ब्यूटी को लाने के लिए, तो वो आप लोग बेहतर समझते हैं कि क्या करना है। तो मुझे लगता है कि जितना डार्क होगा वो अवॉइड करें, मतलब डार्कनेस बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, और यदि नहीं लगाते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है, वो भी चलेगा, और लगाते हैं तो मैंने कहा ना कि बिल्कुल हल्का वाला, है ना, क्योंकि वो सर्दियों का टाइम है, तो जो बैग्स टाइप का जो रहता हुआ आप लोग समझते होंगे क्या चीज है, है ना, है? हाँ ये बता रही, तो इस टाइप से आप वो लगा सकते हो, लेकिन बिल्कुल डार्क कलर नहीं होना चाहिए, है ना, बिल्कुल सिंपल लग भी जाए और चेहरे पर वो ग्लो भी आ जाए और दिखे भी नहीं, वो चीज ऐसा कुछ आप लोग देख लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद मुझे लगता है कि एक चीज और बच रही है लड़कों के लिए, वो है कि बेल्ट, है ना, बेल्ट भी लगाना है आपको, बिल्कुल लगाना है। आजकल एक फैशन भी चल रहा है कि कई लोग बेल्ट नहीं लगाते हैं, ट्राउजर भी पहना है, शर्ट भी पहनी है, तो भी यानी कि वो नहीं लगा रहे हैं, तो वो आपको मॉडल नहीं है कोई आप, है ना, ये मॉडलिंग करने वाले हीरो नहीं है, आपको क्या करना है, एक उसमें जा रहे हैं प्रोफेशनल जो वे होता है उसमें बेल्ट भी होना चाहिए। हाँ बेल्ट में भी आपको बता दें, चौड़ा वाला बेल्ट नहीं होना चाहिए कि जो बहुत एकदम से चौड़ा वाला बेल्ट, ठीक है, बिल्कुल कैसा होना चाहिए, मीडियम साइज होना चाहिए, बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं होना चाहिए, और मीडियम जो साइज होता है ना बेल्ट का वो होना चाहिए, और जो बेल्ट का वो क्या बोलते हैं सिंपल भाषा में कुंदा बोल देते हैं, क्या बोलते हैं उसको, लॉक, लॉक है ना, तो जो लॉक होता है ना वो भी आपका उसी साइज से होना चाहिए, ठीक है। और बेल्ट ब्लैक कलर का ही होना चाहिए, समझ रहे ना, हाँ, और वो लेदर का होना चाहिए और चमकीला नहीं होना चाहिए किसी भी तरीके से, समझ रहे ना, लेदर का हो और ब्लैक कलर का ही हो, ठीक है ना, और ब्राउन भी नहीं हो, दो ही ऑप्शन रहते हैं ज्यादातर, ब्लैक और ब्राउन, तो आप ब्राउन भी नहीं पहनेंगे, ब्लैक ही पहनेंगे, ठीक है। और बेल्ट का ये भी है कि आपका बहुत आगे तक नहीं जाना चाहिए, बड़ा बेल्ट साइज में नहीं होना चाहिए, जैसा आप देखा गया यहाँ तक तो आ गया, तो इसके बाद आगे तक और चला जा रहा है कि बड़ा आ गया तो आप लपेट ही लेते हैं पूरा, है ना, तो इस टाइप से नहीं, बिल्कुल है ना, जो हुक होता ना पैंट का, तो पहले वाले हुक तक आना चाहिए, आगे वाले तक नहीं जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें बारीकी अभी इतना काम कर सकते हैं, अपनी पर्सनैलिटी को इतना अच्छा कर सकते हैं, उन सारी बातों को हम फोकस करें, ध्यान रखें, ठीक है। अब एक चीज और है, लड़कों की हेयर स्टाइल, लड़कियों की हम चर्चा कर चुके हैं, लड़कों की हेयर स्टाइल में ध्यान रखें कि आजकल
तरह तरह के हेयर स्टाइल चल रहे हैं, लड़कियों के ऑप्शन नहीं है हेयर स्टाइल में भाई। हो सकते हैं कि वो स्ट्रेट और क्या कर्ली वगैरह होते हैं, लेकिन लड़कों के हेयर स्टाइल में बड़े डिफरेंस है ना। एकदम टोपी टाइप की लगा देते हैं, इधर से पूरा काट दिया, उधर से काट दिया, एकदम फौजी टाइप का आपका हो गया है ना। ऊपर ऊपर कुछ बाल रह गए और नीचे से खत्म हो गया, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसे हमारे चंद्रपाल जी हैं इस मामले में बिल्कुल आइडियल हैं, बिल्कुल ऐसे ही बाल कटे होना चाहिए है ना। जो ये चेहरे पर आती है ना, जो इसको बोलते हैं कलम, कलम ही बोली जाती है ना, ये बहुत लंबी नहीं होना चाहिए है ना। ये यहाँ तक ही होना चाहिए, कहाँ तक, कान के नीचे तक नहीं, कान के ऊपर तक ही होनी चाहिए, कान के नीचे नहीं जानी चाहिए कैसे भी, बहुत लंबा नहीं होना चाहिए। ये सारी चीज़ें थोड़ा ध्यान रखना है हमें। और लड़के भी बढ़िया वो करवा सकते हैं क्या, हाँ मतलब एक दो बढ़िया यानी कि फेशियल करवा लो, फेस चमकता हुआ जाना चाहिए है ना, मतलब चेहरे पर ग्लो हो यार, कैसे समझे। तो मैंने कहा ना ये आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, आप इंटरव्यू को एंजॉय करो भाई समझे, तो वो फेशियल करवा लो। लेकिन वो महंगा वाला नहीं कि साहब मम्मी पापा परेशान कर रहे हैं कि साहब जेब में दो पैसे भी नहीं है और साहब वो ग्लो आना चेहरे पर, सर ने बोला है ना, बोले 5,000 रुपये दो इस बार के लिए, 5,000 अगली बार के लिए, वो वाला ग्लो लाना है, ऐसा नहीं, वो शादी में लाना, बाद में जब कमाने लगो तो बढ़िया। तो अभी ये है कि हाँ एक हल्का फुल्का फेशियल हो जाए। यदि बालों में सफ़ेदी दिखने लगी हो ना तो बिल्कुल करवा लो, और नहीं भी दिख रही है तो भी करवा लो। डाई नहीं, कलर, बड़े नेचुरल कलर आते हैं वो वाले कलर है ना। एक तो तरह तरह के रंग दिए जाते हैं आपको, हाँ डार्क ब्राउन वो वाला करवाएं है ना, एक बर्गंडी होता है, क्या होता है, खरकंडी होता है, तमाम तरह है, हाँ वो वाले कलर नहीं करवाना है। कैसा देखा कैसा, वहाँ पूरा ध्यान आपके चेहरे पर कम बालों पर ज़्यादा है सब लोगों का है ना। दो कलर के कर है, हाँ बहुत सारे अलग दिखने के लिए, तो ऐसा कुछ भी नहीं करवाना है आपको, ठीक है। नहीं तो आप जाना ना, लेकिन वो कब जाना, कहीं कोई फ्रेंड का बर्थडे हो, कैसे समझे, फ्रेंड की शादी हो तो वहाँ चले जाना, बढ़िया। लेकिन यहाँ इसको नहीं, यहाँ अवॉइड करें। यदि शादी करके आए फ्रेंड की तो उसी समय पूरा कलर करवा के जाना, दो कलर को एक ही कलर करवा के जाना, ठीक है। अच्छा एक बात और है कि यदि आप स्पेक्स लगाते हैं, चश्मा लगाते हैं, तो उसमें अब क्या होना चाहिए, क्योंकि इसमें भी बड़ा फंकी टाइप का चल रहा है आजकल कार्यक्रम, न दिखने के लिए कम दिखाने के लिए ज़्यादा। भाई दिखता तो हर चश्मे से ही है, अब वो हमें दिखाना कैसा है वो भी चल रहा है। तो मुझे लगता है कि जो सिंपल जो होते हैं ना फ्रेम वाले, सिंपल फ्रेम वाले, वो वाले आप यूज़ करें है ना। एकदम से कहीं कर कहता है फ्रेम में भी अलग अलग टाइप की क्वालिटी है ना, बहुत ज़्यादा डार्क कलर भी होते हैं दिखाने के लिए है ना, कुछ एकदम से गोल्डन टाइप के होते हैं है ना, तो वो चीज़ें नहीं, बिल्कुल सिंपल सिटी वाले जो होते हैं ना। हाँ तुम्हारा बिल्कुल सही है, तुम्हारा थोड़ा सा लाइट है, हाँ ये ठीक नहीं है, ये चश्मा लगा रहे हैं ये ठीक है। हाँ तुम्हारा भी मुझे लगता है इंटरव्यू के लिए ठीक नहीं है तुम्हारा भी, हाँ तो वैसे लगाते हो फिर मत लगाना, फिर तो ठीक है, हाँ पढ़ते हैं तो ठीक है लगा लीजिए, और बिना मैंने कहना है कि चश्मे के काम चल रहा है तो फिर आप लगाए कि मत जाए है ना। लेकिन एक ध्यान रखना कि कभी कभार क्या होता है कि हम लगाते हैं उस दिन नहीं लगा रहे हैं, तो वो कई बार समस्याएं भी हो जाती हैं, तो वो आप लगा के जाएँ, इतना वो उसमें मतलब प्रिकॉशंस नहीं लेना आपको, लगा के जाना है आपको, ठीक है। तो बिल्कुल हटा दीजिएगा, बाली बचपन से पहने हैं, और यदि किसी से मन्नत मांगी है या कुछ ऐसा हो है तो माताजी से बोलना कि माताजी हमें माफ़ करें और हम बस आज के लिए नहीं पहनेंगे, कल फिर पहन लेंगे आ करके, हाँ तो दोनों में आप उतार दीजिए, हाँ तो वो ठीक है। उस दिन आप चाहो तो चोरी से उसको भी निकाल लेना, इंटरव्यू बोर्ड के सामने जाओ तो ये पहन के नहीं जाए, ठीक है। क्योंकि अब इनसे संबंधित भी क्वेश्चन हो सकते हैं, ध्यान रखना। अब मेन मुद्दे पर हम आ रहे हैं कि जो आपके ड्रेस है उस पर भी बात हो सकती है, उसमें ड्रेस में जो लड़कों के लिए खास करके बात होती है दो बातों के लिए, एक तो सूट पर होती है, यार तुम बहुत बढ़िया लग रहा है यार, कब लिया सूट, कैसा लिया,
सूट आज क्यों पहना आपने भाई? क्या डेली पहनते हैं? सूट में ही घूमते हैं? क्या जवाब होना चाहिए भाई? सूट तो हर कोई पहने नहीं घूमता ना, घूमता है क्या बताओ? तो आज सूट पहन के क्यों आए भाई? पहली बात, आंसर तैयार रखना। दूसरा, टाई। ये टाई क्यों लगाई यार तुमने? क्या वजह है? नहीं लगाते तो काम चल जाता कि नहीं चल जाता? और लगाइए तो क्यों लगाइए? क्यों बेवजह गला फांस के रखा है? तीसरा, ये आपने सूट पर पेन लगाया है तो क्यों लगाया है? ठीक है, घड़ी पहनी है तो क्यों पहनी है? मैंने कहा ये चर्चा हो सकती है, ऐसा हालांकि वो नहीं कि इन पर होना ही है, लेकिन चर्चा हो सकती है। ठीक है, हल्के फुल्के तरीके से कोई आपको, और इनके कोई भारी भरकम जवाब भी नहीं होते हैं, हल्के फुल्के ही जवाब होते हैं, क्योंकि हल्की फुल्की चीज है तो इनके जवाब भी हल्के फुल्के ही। पर तुम ऐसा नहीं करना कि साहब बहुत एकदम आइडियल बन जाओ और कुछ ऐसा आंसर निकाल के लाओ कि जो उनके एकदम सिर घूम जाए कि साहब ये तो मैंने कभी सोचा ही नहीं था, है ना? जो हल्का फुल्का क्वेश्चन है तो हल्का फुल्का आंसर होना चाहिए उसका। हाँ, कुछ लॉजिकल भी हो, थोड़ा सा हल्के फुल्के बाद में भी लॉजिक होना चाहिए। ठीक है, गर्ल्स के लिए जो बन सकता है, एक तो ये रहता है कि भाई शादीशुदा है तो हल्का फुल्का तो इनकी इंडिकेशन सिंदूर का रह गई, तो ये क्यों लगाते हैं भाई, है ना? और ना लगाएं तो क्या दिक्कत है, और लगाई तो क्यों लगाया? ठीक है, इसके बाद कानों में आपने कुछ भी पहना होगा, टॉक्स पहना, बाली पहना, जो भी है, तो ये क्यों पहना? नाक में पहना तो क्यों पहना? नहीं पहनते तो क्या दिक्कत थी? पहना है तो क्यों पहना? ठीक है, तो ये इनके एक छोटे छोटे हल्के फुल्के क्वेश्चन बनते हैं, इनके आप इनके हल्के फुल्के ही, और एक कहीं थोड़ा सा लॉजिकल, मैंने कहा हल्के फुल्के और लॉजिकल, बहुत बड़ा लॉजिक नहीं कि साहब देखा कि आप प्रोक्यूज ने पूछ तो लिए, अब मैं तुम्हें समझा ही दूँ, तो सारी इनके थेरेपी और सारी लॉजी उसी में आप लगा दो, कहीं आपने स्पिरिचुअल और ये सारी चीज़ें बोले, अब तुमने पूछ कैसे लिया, अब सुन ही लोगों ने, तो वो चीज़ें नहीं, बिल्कुल हल्का फुल्का क्वेश्चन, हल्का फुल्का जवाब आना चाहिए जिससे वो सुन सकें और सहज रह सकें, नहीं तो वो आपसे माफी नामा दे देंगे, साहब मैंने गलती से आपसे पूछ लिया, और आगे तो हम किसी से पूछेंगे नहीं। तो ये सब ये रहता है कि हाँ ठीक है, एक हल्का फुल्का बातचीत करने का सिलसिला होता है, इन चीज़ों से भी स्टार्ट हो सकता है, तो उनका सिंपल आंसर और थोड़ा सा लॉजिक, हल्का फुल्का लॉजिकल, है ना? ये चीज़ें आप अपने अकॉर्डिंग आंसर तैयार करके रखना। यदि आपको आंसर तैयार करने में कोई परेशानी हो रही है तो आप मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो। ठीक है, तो मेरी तरफ से जी जी क्या बता दूं? बिल्कुल 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 ये नहीं, महिलाओं का कमजोर रहता ये नहीं, महिलाओं का कमजोर नहीं रहता ये, हाँ ये कहीं नहीं, महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है। पहली बात तो देखो, पहले तो आप ये दिमाग में रखो कि महिलाएं कहीं कमजोर नहीं है, ना पुरुष स्ट्रांग है और ना महिलाएं कमजोर है। ये पुरुष भी ध्यान रखें कि कहीं भी स्ट्रांग नहीं है, और महिलाएं ये भी ध्यान रखें कि कहीं कमजोर नहीं है। आपका लॉजिक दोनों ही ठीक थे, पहला तो है कि वही हमारा यानी कि पारंपरिक यानी कि उसमें आता है, ठीक है, ट्रेडिशन में आता है, तो इसलिए यानी कि शादीशुदा होने की वजह से उसमें लगाया जाता है, और नहीं लगाए तो शादीशुदा नहीं है क्या? हाँ वही तो पूछ सकते हैं ना कि नहीं, ये हमारे यानी कि परिधान में है, शामिल है हमारे उसमें, इसलिए हम लगाते हैं। कोई साइंटिफिक रीजन है क्या? तो आपने बिल्कुल बताया कि उसमें पारा की मात्रा होती है, तो वो यानी कि क्या करता है, हमारे तालु को यानी कि हमारे बॉडी बैलेंस को कह सकते हो कि ठीक करता है, एक साइंटिफिक वो पूछते हैं, तो अपनी तरफ से नहीं कैसा, अब उसमें तालु में घुस जाएंगे वो आपके, फिर है ना वहां से निकालने की कोशिश करेंगे, नहीं यदि पूछते हैं कोई साइंटिफिक रीजन है तो उतना ही आपको जवाब देना कि नहीं, अब सारी बातें सुन ही लो, है ना? तो उतना ही कि वही हमारा पारंपरिक परिधान है, और यानी कि हमारे यहाँ शादीशुदा महिलाओं को ये यानी कि रिक्वायर्ड रहती है, इसलिए पहनते हैं। नहीं पहने तो कोई दिक्कत नहीं, नहीं लगाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ऐसा कंपलसरी नहीं है, चूँकि है परंपरागत तरीके से तो हम उसको, हमें भी अच्छा लगा था लगाने में, एक सिंपल मैंने कह रहा जवाब है। हाँ हाँ, वही संस्कृति हमारे नहीं परंपरा हुई सारी बात है, तो एक सिंपल क्वेश्चन है, सिंपल जवाब, जब तक वो बहुत ज़्यादा गहराई में नहीं है हम डिस्कशन नहीं करेंगे, ठीक है ना? उसके बाद उन्होंने कहा इसमें कोई साइंटिफिक रीजन हो सकता है या होता है, तो फिर आप उसको बताएं, अदरवाइज नहीं कि नहीं हमारे पास ये अभी
डिक्शनरी में ये चीज तो रहेगी, निकल के आ रही है, इसको तो सुन ही लो आप, वो नहीं सुनाना हमें कैसे भी, ठीक है। अब जैसे कान को है ना, नाक को है, तो ये भी क्या है, हमारे एक पारंपरिक परिधान के रूप में या इस तरह से पहने जाने वाली चीजें हैं, ठीक है। और यदि वो साइंटिफिक पूछते हैं तो ऐसा नहीं कि माना जाता है कि ये प्रेशर जो होते हैं ना, कुछ पॉइंट होते हैं उनमें से ये कान और नाक के प्रेशर पॉइंट होते हैं जो हमारे यानी कि बॉडी को बैलेंस करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए हमारे माना जाता है, बस बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाता है जी। और कोई, हाँ अब वो नेक्स्ट सेशन तो यही है कि आओ सुबह आप अपना पूरा एक्सप्लेनेशन करो, आ जाओ 5-10 मिनट में आप पूरा थोड़ा सा बताएं। अच्छा इसी है, तुम्हारा काम नहीं कर रहा है, कूलिंग करो थोड़ी सी और, मुझे तो गर्मी लग रही है। 24 पे है, हाँ तो 21 पे कर लो, आ जाओ सुबह। हाँ हाँ बहुत अच्छी बात है, हाँ बता। ये रिकॉर्ड कर रहे हैं कि नहीं कर रहे, तो वो लगा देते हैं, ज्यादा ऊंचा नहीं होगा, तो फिर उनका जो क्वेश्चन था सबसे पहले स्कूलिंग से उन्होंने किया, उसके बाद फिर उन्होंने पूछा आपने अपनी ग्रेजुएशन कहाँ से की है, आपने अपनी बीएससी कहाँ से की है, तो फिर मैंने उन्हें बताया कि मैंने कमला राजा महाविद्यालय ग्वालियर से की है। फिर उन्होंने पूछा कि आपने अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन कहाँ से की है, तो मैंने बताया कि मैंने वहीं से की है, कमला राजा महाविद्यालय ग्वालियर से। इसके बाद उन्होंने कहा अच्छा तो आप मध्य प्रदेश से हैं, यहाँ से उन्हें हिंट मिला कि मैं कहाँ से हूँ। उसके बाद उन्होंने क्वेश्चन पूछा कि आप मध्य प्रदेश से हैं और आप मतलब, हाँ इससे पहले ये क्वेश्चन था कि 2022 में आपका JRF हुआ है, तो वर्तमान में आप कुछ जॉब कर रही हैं? मैंने कहा नहीं मैम। तो फिर शोध कर रही होंगी आप? तो मैंने कहा जी मैम। तो फिर आप अपने शोध का विषय बताइए, पर वहां पर उन्होंने उससे कोई बात नहीं की। उसके बाद फिर क्वेश्चन था उनका कि आप मध्य प्रदेश से हैं, आप राजस्थान क्यों आना चाहती हैं? तो मैंने इसका जवाब दिया कि मैम लगभग मैंने अपनी उम्र के 25-26 साल मध्य प्रदेश में बिताए हैं और वो वहाँ की संस्कृति को जाना समझा है। यदि मुझे नौकरी के बहाने मौका मिलता है एक नए राज्य को समझने का, वहाँ रहने का, एक्सपीरियंस करने का, तो मैं बिल्कुल राजस्थान में आना चाहूंगी। और फिर मैंने उसमें ऐड किया कि मैम नौकरी करनी है कहीं भी कर लेंगे, तो इस पर वो मुस्कुरा दी। और फिर उसके बाद उन्होंने पूछा कि आपने इसके अलावा कोई और परीक्षा दी है? तो मैंने कहा जी मैम, मैंने मध्य प्रदेश असिस्टेंट प्रोफेसर की भी परीक्षा दी है। तो फिर उनका था कि मान लीजिए आपके सामने दो लिफाफे रखे हैं, आप किस पर हाथ रखेंगी? एक राजस्थान का है और एक मध्य प्रदेश का है, एक ही दिन आए हैं, बताइए कौन सा उठाएंगी? तो मैंने कहा मैम मैं राजस्थान वाला उठाऊंगी। तो कहती है क्यों, आप अपने राज्य को छोड़कर राजस्थान वाला क्यों चॉइस करेंगी? तो मैंने उनसे कहा कि दरअसल मैम मैं जहाँ से आती हूँ, मेरा जो गृह जिला है वो बहुत दूर नहीं है, राजस्थान यूपी एमपी के बॉर्डर पर ही अवस्थित है, तो बहुत ऐसा महसूस ही नहीं होता कि राजस्थान कोई दूसरा राज्य है, मुझे लगता है मैं तीनों ही राज्यों के साथ अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। इस तरह से मैंने जवाब दिया। फिर उसके बाद फिर हाँ ये हो गया। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आपके पसंदीदा रचनाकार कौन कौन से हैं? तो मैंने यहाँ पर तीन नाम बताए, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल और अनामिका का।
पर यहाँ से उन्होंने मुझसे कोई बात नहीं की। उसके बाद उनका अगला क्वेश्चन था कि आदिकाल में राजस्थान के जो रचनाकार हुए हैं, राजस्थान के जो रचनाकार हुए हैं आदिकाल से लेकर अब तक के, उनके नाम बताइए। तो मैंने क्रमशः आदिकाल के जो रासो साहित्य के रचनाकार हैं चार पांच नाम वहां से बताए, उसके बाद संत काव्य में आकर मैंने चार पांच संत कवियों के नाम बताए, जैसे कि दादू दयाल, जम्भनाथ जी और सुंदरदास जी, इनके नाम बताए, और फिर सूफी काव्य में असाइत, जिन्होंने हंसावली लिखी है, वो नाम बताया। उसके बाद फिर मैंने राम काव्यधारा, कृष्ण काव्यधारा से भी कुछ कवियों के नाम बताए, और उसके बाद आधुनिक काल में आके मैं चार पांच नाम बताकर मैं ठहर गई। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि रांगे राघव कहाँ से थे, मैंने कहा जी मैम वो भी राजस्थान से थे। तो राजस्थान में कहाँ से संबंधित रहे हैं रांगे राघव, मैंने उन्हें बताया कि वो भरतपुर रियासत से संबंधित रहे हैं। और फिर उन्होंने मुझसे अगला क्वेश्चन पूछा और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी कहाँ से रहे हैं, तो मैंने कहा मैम चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी भी राजस्थान से रहे हैं, जयपुर में उन्होंने समालोचना पत्र निकाला है जयपुर से, और अजमेर के मेयो कॉलेज में उन्होंने अध्यापन कार्य किया है। तो फिर बोलती हैं अच्छा आप ये दो नाम भूल गई थी, तो मैंने कहा मैम स्मृति में नहीं रहा होगा इसलिए मैं भूल गई थी। और फिर थोड़ा सा चंद्र शर्मा गुलेरी जी की कहानी, उसने कहा था, फिर थोड़ी सी बात हुई, और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि विभाजन के समय की कुछ रचनाएं बताइए। तो मैंने तीन चार उपन्यासों के नाम बताए उन्हें वहां पर, लेकिन वो जवाब से थोड़ा संतुष्ट नहीं थी, वो कुछ और नाम भी सुनना चाह रही थी। तो फिर उन्होंने एड ऑन किया कि भीष्म साहनी, नहीं तमस का नाम आपने सुना है, मैंने कहा जी मैम भीष्म साहनी जी का उपन्यास है, वो भी विभाजन पर है। फिर उन्होंने एक नाम और ऐड किया कि तोबा टेक सिंह पढ़ी है आपने, मैंने कहा जी मैम शहादत हसन मंटो की कहानी है और मैंने पढ़ी है। तो कहती अच्छा मंटो को आपने पढ़ा है, दरअसल मैं एड ऑन करना चाहूंगी मंटो को हिंदी साहित्य में नहीं पढ़ा जाता, विभाजन के समय वो पाकिस्तान चले गए थे तो पाकिस्तान के रचनाकार माने जाते हैं, लेकिन संयोग से मैंने मंटो को पढ़ा था। तो वो बोली अच्छा कौन कौन सी कहानियां पढ़ी है, मैंने कहा मैम कहानी संग्रह उनका एक पढ़ा है 14-15 कहानियां, लेकिन शीर्षक फिलहाल याद नहीं है। तो बोलती है अच्छा ठंडा गोश्त पढ़ी है, मैंने कहा जी मैम, और खोल दो पढ़ी है, मैंने कहा जी मैम, थोड़ा सा बताइए इन कहानियों के बारे में। तो फिर मैं बता ले गई वो, तो वहां पर उनको अच्छा लगा वो चीज, मुस्कुराई वो उस पर। और फिर उन्होंने मुझसे पूछा विज्जी के बारे में बताइए, एग्जैक्ट सवाल यही था, मैं वहां तक पहुंच नहीं पाई क्योंकि मैंने सुना नहीं था। और फिर बोलती है अच्छा चलिए तो मैं आपको एक हिंट देती हूँ, दुविधा, मैंने कहा जी मैम मैं समझ नहीं पा रही हूँ सवाल को, मैं वहां तक पहुंच नहीं पा रही हूँ। तो फिर उन्होंने कहा कि सीधा स्पष्ट बोलती हूँ, विजयनारायण देथा जी के बारे में आप क्या जानती हैं, दरअसल ये राजस्थान के एक रचनाकार हैं और मैंने इनके बारे में पहले नहीं पढ़ा था। तो मैंने कहा मैम माफी चाहूंगी अब तक मैं नहीं पढ़ पाई हूँ इनको। तो फिर उन्होंने कहा कोई बात नहीं, फिर इसके साथ ही आगे बढ़े। तो उन्होंने कहा अच्छा आप राजस्थान आना चाहती हैं तो बताइए चुरू, झुंझुनू और सीकर में कौन सी बोली बोली जाती है। तो मैंने एकदम से पिछले सवाल का चूंकि मैं आंसर नहीं दे पाई थी, थोड़ा अंडर प्रेशर थी पर दिख नहीं रहा था उतना, तो मैंने बोला मैम मारवाड़ी बोली जाती है। तो कहती है आप श्योर है, तो मैंने थोड़ा सोचा, फिर बोलती है अच्छा ये बताइए शेखावटी में कौन कौन से जिले आते हैं। तो फिर मैंने कहा शेखावटी में चुरू, झुंझुनू और सीकर आते हैं मैम, मैं पिछले सवाल के लिए माफी चाहूंगी, यहाँ शेखावटी में मेवाती बोली बोली जाती है। तो फिर वो उस पर थोड़ा सा मुस्कुराई, फिर आगे उन्होंने पूछा मुझे कि राजस्थान के तीन मंत्रियों के नाम बताइए। तो फिर मैंने उन्हें उच्च शिक्षा मंत्री, स्कूली शिक्षा में जो मंत्री हैं उनके नाम बताए और एक मुख्यमंत्री का नाम बताया। क्योंकि मुख्यमंत्री का नाम मैं सिर्फ सरनेम उस वक्त याद कर रही थी तो मैंने थोड़ा सा समय लिया 30 सेकंड का। तो वो मुस्कुराते हुए बोली कि वसुंधरा राजे तो नहीं है, मैंने कहा जी जी नहीं मैम वो नहीं है, वो पूर्व मुख्यमंत्री थी और वर्तमान में भजनलाल शर्मा जी हैं। और फिर इस तरह से बात आगे बढ़ी। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आपको पता है यूरेनियम, लिथियम और सोना ये कहाँ मिलते हैं राजस्थान में। तो यूरेनियम में मैंने मतलब वन बाय वन पूछा था, तो मैंने कहा यूरेनियम में मैम मैं श्योर नहीं हूँ पर मैं गैस करना चाहूंगी, मैं संभवतः बता सकती हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है बताइए। तो मैंने कहा मैम संभवतः पश्चिमी राजस्थान, तो बोलती नहीं ये जवाब ठीक नहीं है। फिर उन्होंने पूछा लिथियम का, तो वो भी मुझे जानकारी नहीं थी तो मैंने उसके लिए माफी मांगी। फिर उन्होंने सोने का पूछा तो वो मुझे पता था, तो फिर मैंने उनको बताया कि मैम दक्षिणी राजस्थान में बांसवाड़ा और डूंगरपुर जिले में सोने की खदाने हैं, तो फिर वहां से वो बात ठीक हुआ। फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि वागड़ और वागड़ में क्या अंतर है, दरअसल ये राजस्थान के दो क्षेत्र हैं तो इसमें से सिर्फ मैं एक ही जानती थी, वागड़ वाला, वागड़ नहीं जानती थी। तो फिर मैंने एक बताया, एक के लिए माफी मांगी। फिर उन्होंने कहा ठीक है। फिर जो विशेषज्ञ थे एक, उनके पास गया, पहले विशेषज्ञ के पास, तो उन्होंने शोध विषय से सवाल पूछा कि आपका जो शोध विषय है वो साहित्य और मनोविज्ञान दोनों से जुड़ता है, तो उससे रिलेटेड थोड़ी बहुत चर्चा हुई है। और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बाल साहित्य पर रिसर्च कर रही हैं, कुछ रचनाकारों के नाम बताइए। तो मैंने 7-8 रचनाकारों के नाम गिनवाए, कुछ रचनाएं पूछी तो वो भी मैंने बताई, कहानियां भी और उपन्यास भी। उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि मनु भंडारी भी बाल साहित्य पर, उनका उपन्यास है आपने उसको नहीं लिया है, ना आपने मनु भंडारी जी को लिया है। तो मैंने उनको स्पष्ट किया
कि सर वो उसमें बालक की मनोदशा दर्शाई गई है लेकिन वो बाल साहित्य के भीतर नहीं आएगा क्योंकि वो बड़ों के लिए लिखा गया है, बच्चों के लिए नहीं लिखा गया है। तो फिर उन्होंने कहा ठीक है। उसके बाद शोध पर ही थोड़ा बहुत बात हुई है। फिर जो कि अध्यक्ष ने जैसे मुझसे विभाजन पर पूछा था, तो सर ने मुझसे पूछा कि पाकिस्तान विभाजन पर तो आपने बताया, बांग्लादेश विभाजन पर कुछ बताइए, कुछ आपको रचना याद आ रही हो ऐसी। तो फिर फिलहाल उस वक्त मुझे नहीं याद आ रही थी, तो मैंने उसके लिए माफी मांगी। और उसके बाद फिर उन्होंने मुझसे पूछा सूरदास, नंददास और मीरा का कोई पद की दो विशेषताएं, दो आलोचनाएं और कोई पद सुनाइए। तो फिर जैसे ही मैंने सूरदास की विशेषताएं बताना शुरू की, उन्होंने कहा रहने दीजिए, सूरदास का कोई पद सुनाइए। तो फिर मैंने एक पद, चूंकि वो थोड़ा सा इंटरप्ट हो रहा था बीच में तो अचानक से याद नहीं आया, पर जैसे ही मुझे मैंने थोड़ा समय लिया 30 सेकंड का, मैंने जैसे ही बताना शुरू किया, उन्होंने कहा रहने दीजिए, नंददास का पद सुनाइए। तो नंददास का मुझे तब याद नहीं था, उन्होंने कहा छोड़िए मीरा का सुनाइए। तो फिर जैसे ही मीरा पे आए, मीरा का मैंने उन्हें पद सुनाया, बस वो मेरे नैनन में नंदलाल। और उसके बाद फिर हाँ, फिर उन्होंने कहा गोदान में कौन कौन से स्त्री पात्र हैं, उसके बारे में आप थोड़ा सा बताइए। तो मैंने गोदान के स्त्री पात्रों के नाम गिनाए और उनके बारे में थोड़ा थोड़ा बताना शुरू किया। यहाँ पर मैं एक बड़े जरूरी पात्र का नाम भूल गई थी, मालती का, क्योंकि उनका सवाल ये था गोदान के स्त्री पात्रों के नाम बताइए और उसमें से आपको कौन सी सशक्त लगती है। तो मैं धनिया पर बोल रही थी और उसके बाद बोलते हैं मालती का नाम आप भूल गई हैं, क्या मालती आपको सशक्त नहीं लगती। तो फिर मैंने वहां किया कि सर स्मृति में नहीं आया, और फिर मैंने उसको मालती का नाम ऐड किया और मालती के बारे में थोड़ी सी चर्चा हुई उनके पात्र के बारे में। फिर बोलते हैं कि आप ये बताइए होरी, डॉक्टर प्रशांत और शेखर, ये तीन उपन्यासों के अलग अलग पात्र हैं, इनके बारे में आप क्या जानती हैं, आपको क्या लगता है नायकत्व की विशेषताओं पर कौन खरा उतरता है। तो फिर मैंने उनसे कहा कि सर शेखर एक जीवनी मैंने फिलहाल बहुत अच्छे से नहीं पढ़ी है, तो मैं उस पर अभी कुछ भी सोचने की स्थिति में नहीं हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है उसको रहने दीजिए, आप होरी और डॉक्टर प्रशांत में से बताइए आप किसको नायकत्व की विशेषताओं पर खरा उतरता हुआ देखती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर मैं होरी को ज्यादा नायकत्व की विशेषताओं पर खरा उतरता हुआ देखती हूँ। तो उनका कहना था कि होरी तो बहुत हताश दिखता है, आप उसको कैसे नायक घोषित कर सकती हैं। तो मैंने उनसे कहा कि सर होरी भले हताश दिखता है लेकिन वो जिस वर्ग का प्रतिनिधि है उस वर्ग का नायकत्व करने में वो पूर्णता सक्षम है, वो किसानों की स्थिति दर्शा रहा है और उनको दिखाने में वो सक्षम है, इसलिए उसको मैं नायक अपनी तरफ से मानना चाहूंगी। फिर उसके बाद उन्होंने कहा ठीक है, और अगली जो विशेषज्ञ थी उनके पास पहुंचा। तो उन्होंने जो कि अध्यक्ष ने क्वेश्चन किया था कि आपके फेवरेट लेखक कौन से हैं, वहां से उन्होंने सवाल किया कि आपने जो तीन नाम बताए हैं, भवानी प्रसाद मिश्र, केदारनाथ अग्रवाल और अनामिका जी के, ये तीनों कवि हैं, तो ऐसा है कि आपको सिर्फ कविताएं पसंद है, गद्य में आपकी रुचि नहीं है। तो मैंने कहा जी नहीं मैम, ऐसा नहीं है, गद्य भी मुझे उतना ही रुचिकर लगता है और कविताएं भी, क्योंकि कविता थोड़ी छोटी होती है, छोटी विधा है, इसलिए कम समय में ज्यादा पढ़ जाती है, इसलिए कविताएं ज्यादा पढ़ लेती हूँ, गद्य भी लेकिन उतना ही रुचिकर मुझे लगता है। तो फिर यहाँ से बात हुई। फिर उन्होंने कहा कि मध्य प्रदेश से ही एक कवि है मुक्तिबोध, आपने उनके बारे में सुना है। मैंने कहा जी मैम। तो बोलती है उनकी एक बहुत ही चर्चित कविता रही है, वो पढ़ी है आपने। मैंने कहा जी मैम, अंधेरे में कविता उनकी बहुत चर्चित रही है, तो आपको वो कविता का कुछ अंश याद होगा, आप उसकी चार पंक्तियां सुना दीजिए। तो फिर मैंने अंधेरे में कविता में एक गीत है, ओ मेरे आदर्शवादी मन, मैंने उन्हें प्रॉपर गा के सुनाया, तो बड़ा खुश हुई उस पे। और फिर आगे बढ़े तो उन्होंने कहा कि आप भारतीय काव्यशास्त्र पढ़कर आई हैं। मैंने कहा जी मैम पढ़कर आई हूँ। फिर उन्होंने उससे कोई सवाल नहीं पूछा। फिर उन्होंने कहा पाश्चात्य पढ़कर आई हैं। मैंने कहा जी मैम। तो आप ये बताइए विरेचन सिद्धांत किसने दिया है। मैंने कहा अरस्तु ने दिया है, तो विरेचन सिद्धांत आप थोड़ा सा समझा दीजिए। तो फिर मैंने उन्हें विरेचन सिद्धांत वहां पे समझाया। उसके बाद फिर जो अध्यक्ष थी वो बोली कि क्या तैयार करके आई हैं आप पढ़ाने के लिए। तो मैंने कहा खुसरो की रचनाओं का वर्गीकरण मैं पढ़ाऊंगी। और फिर उन्होंने कहा ठीक है जाइए, वो बोर्ड है, मार्कर है, पढ़ा दीजिए। तो मैंने पढ़ाया वहां पर, क्योंकि मेरा टॉपिक पूरा कम्प्लीट नहीं हुआ था, मुझे 6 हिस्से बताने थे पर मैं 3 हिस्से मैंने बताए। फिर उन्होंने मुझसे कह दिया था आइए बैठ जाइए। और जैसे ही मैं वापस आके बैठी चेयर पे, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आपकी हॉबी क्या है। तो मैंने कहा मैम फिलहाल म्यूजिक में मैं रुचि रखती हूँ और फिलहाल मैं गिटार सीख भी रही हूँ। तो उन्होंने कहा अच्छा कौन सा गिटार बजा लेती हैं आप, आपके पास स्पेनिश है, एक्वेस्टिक है या इलेक्ट्रिक है। तो मैंने कहा मैम एक्वेस्टिक गिटार है मेरे पास। तो कहते हैं अच्छा बहुत अच्छा ठीक है, अब आप जा सकते हैं। बस
ये अभी आप सुबी गुर्जर जी को सुन रहे थे, इन्होंने राजस्थान पीएससी में असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दिया और इनका हिंदी साहित्य विषय से कॉल हुआ था इंटरव्यू के लिए, और इन्होंने जो यहाँ मॉक दिए थे उससे भी बेहतर तरीके से इन्होंने वहाँ प्रेजेंटेशन दिया। मुझे उम्मीद है कि इनका राजस्थान में सिलेक्शन 100% होना है, और सबसे बड़ी बात है कि इनका जो बातचीत करने का तरीका है बड़ा सरल और सहज है, हल्के फुल्के तरीके से अपनी सारी बात को कह देती हैं, और जो इनकी खास बात है कि मुस्कुराता हुआ चेहरा हर बात को एकदम से सरल बना देती, कठिन से कठिन बात को। और सबसे बड़ी बात है इनके, आपने देखा होगा बातचीत करने में, कि इनका बात करने का तरीका ऐसा है कि लोग इनसे बात करना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि इनका इंटरव्यू इसलिए लंबा खिंचा कि बोर्ड मेंबर चाह रहे हैं कि और देर थोड़ी बैठे, क्योंकि ये उनका जो बातचीत करने का तरीका है ना वो बहुत आकर्षक है। तो यही चीज़ें आपको बनानी है, जैसे अभी अपना ये पूरा इंटरव्यू का बता रही थी कि किस तरीके से उनका इंटरव्यू हुआ स्टार्ट और लास्ट में कैसा चला, तो इस तरह से उन्होंने सीन क्रिएट कर दिया आपके सामने। नहीं लगा आप लोगों को कि बिल्कुल वो इंटरव्यू बोर्ड के सामने बैठी हैं, वो पूरा बता रही हैं। यही एक प्रोफेसर में क्वालिटी होती है कि वो यानी कि इस तरह से टीचिंग करेगा कि वो किसी भी घटना के बारे में बता रहा है, तो उसके अंदर वो क्वालिटी होना चाहिए कि अपने एक्सप्रेशन से, अपनी वाक्पटुता से यानी कि वो सीन क्रिएट कर दे। तो आप देख रहे होंगे शायद उनके अंदर ये क्वालिटी है, और यही एक सबसे इम्पोर्टेंट क्वालिटी प्रोफेसर के अंदर होनी चाहिए। तो वो क्या ढूंढ रहे हैं आपके अंदर, तो देखा कि आपने एक चीज और देखी होगी कि पूरे इंटरव्यू के दौरान कहीं भी नॉलेज चेक नहीं किया गया, बिल्कुल सारी सिंपल तरीके से बात चल रही थी। तो हर यानी कि इंटरव्यू में यही चीज रहती है कि आपके अंदर वो पर्सनैलिटी वो देखना चाहते हैं जिस चीज की डिमांड है। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने जा रहे हैं तो आपके अंदर वो ऐसी चीजें ढूंढ रहे हैं कि एक अच्छे असिस्टेंट प्रोफेसर में वो क्वालिटी होनी चाहिए। सबसे पहले विषय का ज्ञान, क्योंकि यहाँ पर जैसे भी विषय की चर्चा की गई उनसे जितना बन सका उन्होंने पूरे ईमानदारी से जवाब दिए, जहां नहीं बना या रिकॉल नहीं हुआ उन्होंने उसको सॉरी बोल करके आगे बढ़ी। और सबसे बड़ी बात है कि उन्होंने अपने एक सशक्त व्यक्तित्व का परिचय दिया, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है कि आप यानी कि और प्रेजेंस ऑफ माइंड इनमें बहुत अच्छी तरीके से उन्होंने अपने कुछ आंसर्स में दिया। जैसे दो लिफाफे आपके सामने रख दिए गए, सक्सेस के दौरान लिफाफे थे, एक एमपी और एक आपका राजस्थान का, तो बिल्कुल आप राजस्थान को ही चूज किया आपने, अच्छी बात है, क्योंकि जिस बोर्ड में आप जा रहे हैं उस बोर्ड का आपने सम्मान किया, उनका सम्मान रखा, और ये लगा कि भाई उनके लिए राष्ट्र सर्वोपरि है, राज्यों की सीमाएं इंपॉर्टेंट नहीं होती हैं। और सबसे बड़ी बात है कि हम यानी कि एमपी को पहले से ही जानते हैं, राजस्थान को भी हमें सीखने समझने का मौका मिलेगा, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात होती है कि आप यानी कि उस समय प्रेजेंस ऑफ माइंड कैसा है। और ये प्रेजेंस ऑफ माइंड तभी अच्छा काम कर पाता है जब आप सहज होंगे, आप अपने ऊपर बोझ नहीं लेके जाएं, भारी भरकम अपना व्यक्तित्व को बना के नहीं जाएं कि हम तो बहुत ज्ञानी ध्यानी हैं, बिल्कुल सहज जैसे हैं वैसे ही हैं। बस ये कि आप जैसे हैं वैसे रहेंगे तो आपको यानी कि क्रिएटिविटी आएगी, आप उस समय सोच पाएंगे समझ पाएंगे। आपने एक पहले इससे आवरण ओढ़ लिया कि था मैं तो बहुत ज्ञानी हूँ और मैं तो दिव्य ज्ञानी हूँ, ऐसा नहीं है ना, दिव्य दृष्टि से कुछ भी देख सकता हूँ और वो कुछ भी पूछ लें, बस ये चीज़ आपको बहुत नीचे लेके जाएगी। आप बिल्कुल सहज तरीके से जाएं और जो पूछा जा रहा है उसको आप बिल्कुल ईमानदारी से जवाब दें। सबसे इम्पोर्टेंट बात ये होती है कि आपका वहाँ व्यक्तित्व का जो परीक्षण किया जा रहा है ना, आपके अंदर वो सबसे पहले जो चीज़ ढूंढना चाहते हैं वो ये देखना चाहते हैं कितना सच्चा इंसान है, ये सच्चाई से कितना बोल रहा है, ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है। क्योंकि आप बनावटीपन जो है ना थोड़े से टाइम के लिए ला सकते हैं, फिर वो आपसे बात करने में इंटरेस्ट नहीं रखेंगे कि ये तो व्यक्ति हर जगह पर यानी कि बनावटी बातें कर रहा है, सहज नहीं है। तो वहां पर जो बैठे हुए लोग हैं वो एक सहज व्यक्तित्व को ढूंढ रहे हैं, ऐसे व्यक्तित्व को ढूंढ रहे हैं जिसके अनुभव बड़े गहरे हों लेकिन बातचीत करने में सहजता हो, है ना, कि ये नहीं कि साहब हल्का फुल्का अनुभव है लेकिन भारी भरकम शब्दों के माध्यम से या आपके अपने बॉडी लैंग्वेज के माध्यम से वो दिखाना चाहे वो चीज़ नहीं होती। तो आपको सुभी जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया मुझे लगता है कि इसी टाइप से आपको यानी कि सभी लोगों को तैयारी करनी है, ठीक है। सुभी जी के क्वेश्चन जो बताए गए उनमें से मुझे लगता है कि उनके जो आंसर थे वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से दिए गए। मैंने कहा था कि यहाँ नॉलेज की बात ही नहीं है,
हर इंटरव्यू में यही रहता है कि वो आपसे बातचीत इस तरह से करना चाहते हैं कि जिस प्रोफेशन में आप आ रहे हैं उस प्रोफेशन की कौन कौन सी क्वालिटी वो स्टैंडर्डाइज होती हैं, वो आपको कितनी फुलफिल कर रहे हैं। भाई सबसे पहला तो ये है कि आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए जा रहे हैं तो वहां पर क्या चीज देखी जा रही है, सबसे पहले कि आपकी अपने विषय पर एक समझ, अध्ययन नहीं, अध्ययन आप पहले ही कर चुके हैं, उसको कितना आपने सीखा है या व्यवहारिक तौर पर आपको कितनी जानकारी है, उस ज्ञान का व्यवहारिक उपयोग कितना आप कर पा रहे हैं, ये चीज। दूसरा ये है कि फिर आप यानी कि अपनी बात को दूसरों तक कैसे पहुंचाएंगे, यानी कि आप टीचर हैं तो आपको स्टूडेंट को पढ़ाना है तो अपनी बात को स्टूडेंट तक किस तरह से पहुंचाना है और पहुंचाते समय कितना उसको आप कैसे कर रहे हैं आकर्षक बना रहे हैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है। तो वो यानी कि आपके अंदर क्वालिटी होनी चाहिए। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात है ये है कि आप सभी लोग ये ध्यान रखें कि आपको वहां पर बोर्ड पर पढ़ाना ही है, ये बोर्ड की पढ़ाने की प्रैक्टिस आप जरूर करें, बेशक वहां 2 मिनट मिले, 5 मिनट मिले या 10 मिनट मिले, जितना भी वो इंटरेस्ट लेते हैं, लेकिन आपको कम से कम 10 मिनट पढ़ाने की प्रैक्टिस करनी है। हो सकता है कि 2 मिनट के बाद ही आपको रोक दिया जाए, हो सकता है कि आपका पढ़ाना अच्छा लेके तो 5 मिनट भी पढ़वा सकते हैं, लेकिन 5 मिनट से ज्यादा नहीं होता, लेकिन फिर भी आप अपनी कैपेसिटी या अपने मैटर को जो आप पढ़ाने वाले हैं तो कम से कम 10 मिनट का तैयार करके चले। और इसमें भी आप ध्यान रखें कि ऐसा टॉपिक लें जो बहुत क्लिष्ट नहीं होना चाहिए, आसान होना चाहिए, सहज होना चाहिए। हाँ, उसमें मैटर ऐसा रखें कि जिसमें आसपास सराउंडिंग बहुत ज्यादा नहीं आ रही हो, मतलब वो छोटा सा टॉपिक हो, 10 मिनट में लगभग पूरा क्लियर हो जाए, इतना ही हेडिंग लेकर के पूरा आप क्लियरिटी के साथ में आगे बढ़ें। ठीक है, और कुछ आप लोग आज और जानना चाहते हो तो करें।